हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर। सो स्टूडेंट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज उसे प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन हमारा 5। हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट कर लिया था, एक्सरसाइज 2.2 जो हमारा चैप्टर है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का, वो हमने स्टार्ट किया था और उसका सेकंड एक्सरसाइज हमारा चल रहा था। आज हम रिमेनिंग क्वेश्चन जो सेकंड चैप्टर की 2.2 एक्सरसाइज है उसका रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो करते हैं शुरू हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको। सो इन क्वेश्चन नंबर 5 इसके अंदर हमने बेसिकली फ्रैक्शंस ही बताना है स्टूडेंट। इसमें हमें से पूछा गया है कि ये 1/2 ऑफ, ऑफ का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट यदि आपको ऑफ मिलता है तो इसका मतलब है हमारा मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट, सो 1/2 ऑफ किसका, हमें पार्ट दिए हुए हैं 24 का और 46 का। सो हम जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसको करते हैं, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसका स्टूडेंट आ जाएगा 1/2 ऑफ, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई किसका, 24 का। ओके स्टूडेंट, सो अब हम इसको कर लेंगे, इसको जब हम 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, और 24 को यदि आप डिवाइड करना नहीं आता है, ऐसे डायरेक्ट कट करना नहीं आता है, सो स्टूडेंट 24 2 1 2 2 4, सो कितना आया स्टूडेंट यहाँ पे 12। सो जो फर्स्ट है उसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ 24 मतलब उसका हाफ, तो कितना है 12। सो स्टूडेंट ये था मेरा जो फर्स्ट पार्ट था ए का वो। अभी हमें 1/2 ऑफ किसका बताना है, 46 है उसका। तो जो सेकंड पार्ट स्टूडेंट उसका देखो 1/2 हमें किसका बताना है, ऑफ 46 का। ऐसे ही करेंगे 2 1 2 2 4 और 2 3, तो 1/2 ऑफ 46 कितना आ जाएगा, 23 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये था ए पार्ट, लेट मी सी अवर बी पार्ट। ओके स्टूडेंट, 2/3 ऑफ, देखो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है कि जो 2/3 ऑफ, 2/3 बताना है किसका, 2/3 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई किसका, 18 का, तो 18 का करेंगे। अब देखो कैंसिल हो रहा है तो 3 1 3 और 3 6 18, 18 के नीचे कुछ नहीं है स्टूडेंट, इसके नीचे आप 1 भी डिनोमिनेटर ले सकते हैं। सो 6 2 कितना हो जाएगा 12, तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जो सेकंड पार्ट है उसमें भी 2/3 निकालना है किसका, 27 का, तो सेकंड पार्ट का क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ 27, 3 1 3 और 3 9 27, सो स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा 18, ये हमारा इसका आ जाएगा आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट, हम उसको देखते हैं। इसके अंदर देखो स्टूडेंट 3/4 बताना है ऑफ किसका, 16 का एंड 36 का। तो स्टूडेंट जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम यहाँ पे कर रहे हैं 3/4 ऑफ, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई किसका, 16 का। सो स्टूडेंट इसके नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर 1 ले सकते हो, 4 1 4 4 4 16, तो 4 3 कितना होता है 12, तो 3/4 ऑफ 16 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 12। ओके स्टूडेंट, अब इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, इसमें 3/4 ऑफ किसका बताना है स्टूडेंट, 36 का, तो 4 1 और 4 9 9 3 कितना होता है 27, और ये हमारा इसका आ जाएगा आंसर। ये था हमारा सी पार्ट, आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। सो करते हैं हमारा इसका जो डी पार्ट है उसको। सो स्टूडेंट इसके अंदर जो डी पार्ट है उसमें दिया हुआ है 4/5 ऑफ। देखो स्टूडेंट यदि मैं किसी का बोलती हूँ हाफ करना है मीन्स उसका आधा करना है, ऐसा ही 2/3 पूछा है, तो जितना नंबर पूछा है आपको, आप जैसे इसमें पूछा हुआ है 4/5 ऑफ, तो 4/5 फर्स्ट पार्ट करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, जो 4/5 है ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई किसका करना है स्टूडेंट 20, आपको याद रखना है ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 5 1 5 5 4 24, सो जो इसका फर्स्ट है इसका आंसर कितना आ जाएगा 4/5 ऑफ 20 इज 16। ओके, सो जो सेकंड पार्ट है वो भी देख लेते हैं, 4/5 ऑफ 35, तो 5 1 5 7 35, 7 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 28 इसका
आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। सो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट, इसके अंदर देखो सेम जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया था एज इट इज है, बट इसके अंदर आपको एक मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। आपको पहले मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है स्टूडेंट, आफ्टर देन यू कैन डू इट। ओके, सो स्टूडेंट 3 × अब हमें पता है कि इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं। 5 × 5 = 25 इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें जो रिजल्ट आता है उसमें कर देते हैं उसको ऐड। तो 5 × 5 = 25 × 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 26/5। ओके स्टूडेंट, सो ये आ गया हमारा। अब देखो स्टूडेंट कोई कट रहा है तो आप काट सकते हो, नहीं कट रहा तो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। सो स्टूडेंट जब 3 का हम 6 ये नहीं कट रहा है तो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 6 = 18, 1 × 3 = 2 = 6 × 1 = 7। सो स्टूडेंट ये हमारा क्या आ जाएगा 78/5 आ जाएगा। सो स्टूडेंट यहाँ पे बोल रहा है कि मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज मिक्स फ्रैक्शन, हमें देना आंसर किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। आपको मिक्स फ्रैक्शन मैंने स्टार्टिंग में बताया था 78 × 8, आप यहाँ पे करके देख सकते हैं स्टूडेंट 78 को 8 से डिवाइड करेंगे सो कितना आ जाएगा 8×9 = 72, तो यहाँ पे रिमाइंडर 6 आ जाएगा। सो जो इसका आंसर आ जाएगा निकल के वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, जो हमारा है ये 8 है ना, सॉरी यहाँ पे 5 है स्टूडेंट, यहाँ पे 8 नहीं है, यहाँ पे 5 है। सो यहाँ इसको डिवाइड किससे करना है 5 से, सो 5 × 5 यहाँ पे 2 और 8, 5 × 5 = 25। सो स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा 3, तो 15 × 3/5 क्योंकि यहाँ पे 5 था मैंने देखा नहीं इधर। सो स्टूडेंट यहाँ पे 15 × 3/5 किसका आ जाएगा आंसर। ओके स्टूडेंट ये था हमारा इसका ए पार्ट। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। देखो पहले आपको जब मिक्स फ्रैक्शन दिया उसको इम्प्रोपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना स्टूडेंट। सो 5 × 6 = 4 जो कितना होता है 24 + 3 कितना हो जाएगा 27/4। अब ये देखो स्टूडेंट आपस में कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा, मीन्स वो डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप डायरेक्ट क्या कर दोगे मल्टीप्लाई। जब आप 27 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट सो ये हमारा कितना आ जाएगा 5 × 7 = 35, 3 × 5 = 10 और 13 अब आ जाएगा 4। अब हमें इसका क्या बनाना है, मिक्स फ्रैक्शन बनाना है सिंपली। सो स्टूडेंट इसके अंदर हम क्या करेंगे 135 / 4, तो 4 × 3 = कितना होता है 12 और 4 × 4 = 16 तो ज्यादा हो जाएगा, सो 4 × 3 = 12, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा 3, तो इसका क्या आ जाएगा 33 × 3/4। ओके स्टूडेंट ये था इसका बी पार्ट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम सी और डी पार्ट और देख लेते हैं, इसके रिमेनिंग जो पार्ट है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सो स्टूडेंट जो हमारा सी पार्ट है इसके अंदर देख लीजिए 7 × 4 × 2 = 8 और 1 कितना होता है 9/4। सो स्टूडेंट ये कैंसिल नहीं हो रहा तो आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई 63/4। अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाओगे तो 4 × 4 चला जाएगा स्टूडेंट और 4 × 5 = और रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4 × 1 = 4, 2 × 4 = 5 = 23 रिमेनिंग और 3 रिमाइंडर इज दिस आंसर। ओके सो स्टूडेंट ये था हमारा सी पार्ट। ऐसे ही आपको ई पार्ट नहीं सॉरी डी पार्ट कर लेना है 4 × 6 × 3 = कितना होता है 18 + 9 = 19/3। अब इसका मल्टीप्लाई करो 76/3। ओके स्टूडेंट अब इसका मिक्स फ्रैक्शन बनाओ 3 × 2 = 6 × 1 और 16 × 3 = 5 = 15, 1 रिमाइंडर ये इसका आ जाएगा आंसर। आप ऐसे डिवाइड करके देख सकते हैं स्टूडेंट। सो अब करते हैं इसका ई और एफ पार्ट। सो स्टूडेंट ई और एफ पार्ट भी सेम है, इसमें मिक्स फ्रैक्शन आगे दिया हुआ है 4 × 3 = 12 और 1 कितना होता है 13/4। ओके स्टूडेंट और ये हमारा क्या है 6, इसके नीचे कुछ नहीं आप 1 कर सकते हो। अब देखो स्टूडेंट ये कट रहा है 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4। ओके स्टूडेंट अब इसका कर लेंगे हम मल्टीप्लाई 39 / 2, अब हमारा ये निकल के आ गया तो हम इसको क्या कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन में बना लेंगे। सो 39 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2 × 1 = 2 और 2 × 9 = 18, 1 रिमाइंडर, तो 19 × 1/2 ये इसका आ जाएगा हमारा आंसर। एफ पार्ट को देखो स्टूडेंट 5 × 3 = 15 और 2 = 17/5 × 8।
सो स्टूडेंट अब ये कैंसिल नहीं हो रहा तो हम डायरेक्ट कर देंगे मल्टीप्लाई. 17 8 से कितना होता है स्टूडेंट 136 इज डिवाइडेड बाय 5. फर्दर डिवाइडेड बाय 5 मीन्स 136 को आप 5 से जब आप डिवाइड करोगे मिक्स फ्रैक्शन के लिए तो इसको आप ऐसे कर लेना स्टूडेंट 136 इज डिवाइडेड बाय 5. तो 5 टू जा 10 और 5 7 जा 35 रिमेनिंग 1. तो 27 कंप्लीट 1/5 विल बी द आंसर. ओके स्टूडेंट आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. लेट मी सी अवर क्वेश्चन नंबर 7 and 8. सो स्टूडेंट इन क्वेश्चन नंबर 5 इसके अंदर हमें बताना है सेम फ्रैक्शन है फाइंड 1/2 ऑफ. उसमें जो हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 किया था स्टूडेंट उसके अंदर हमें सिंपली निकालना था, मिक्स फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ था. इसमें हम क्या करेंगे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे आफ्टर देन हाफ करेंगे. ओके सो स्टूडेंट जो फर्स्ट पार्ट है मैं वो यहाँ पे करवाती हूँ. 4 टू जा कितना होता है स्टूडेंट 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11/4. अब इसका कितना करना है हाफ ऑफ. ये हमारा इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आया है. अब हमें करना क्या है हाफ ऑफ किसका स्टूडेंट 11/4. ओके स्टूडेंट हाफ करना है. आपको याद रखना आप काटने के चक्कर में इसको ऊपर मत करना लेकिन ये क्या आ जाएगा 11/8 क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो रहा. ये नीचे है तो कैंसिल नहीं होगा. सो 11/8 यहाँ पे आ जाएगा. यदि हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 8 1 8 और रिमाइंडर 3 और 3/8. सो स्टूडेंट ये था इसका फर्स्ट पार्ट. अब जो सेकेंड पार्ट है उसको देख लेते हैं. पहले इसको क्या करेंगे हम इम्प्रॉपर में करेंगे. 9 9 4 जा 36 और 2 कितना होता है स्टूडेंट 38 38/9 आ गया. अब हमें पूछा क्या गया है हाफ ऑफ. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ ऑफ किसका इसका 38/9 का. सो स्टूडेंट कोई कट रहा है तो आप काट सकते हैं. 2 1 जा और 2 9 जा ये क्या आ गया 19/19. अब आप इसको करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर 9 2 18 1 रिमाइंडर ये इसका आ जाएगा आंसर. आई होप आपको मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आ गया होगा. आप ट्राई करना आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. प्रैक्टिस करना इस चीज की. ओके सो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इसी का बी पार्ट है उसमें भी आप करते हैं अभी और आप प्रैक्टिस करना इसकी भी सेम है जैसे मैंने ऊपर करवाया है इसका ए और बी पार्ट. इसमें देखो स्टूडेंट 5/8 बताना है इसका और इसका. ये हमारा फर्स्ट पार्ट है सेकंड पार्ट है. तो 5/8 ऑफ किसका ऑफ मतलब इसका. तो 6 3 18 और 5 कितना होता है 23/6. ओके स्टूडेंट अब कोई कटता है तो हम उसमें देख लेते हैं. देखो स्टूडेंट इसमें कोई भी नहीं कट रहा है हमारा. सो हम इसका कर लेंगे मल्टीप्लाई. जब 5 को इससे करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई. सो स्टूडेंट 5 3 15 1 कैरी 5 2 10 और 1 11 115 ऊपर आ गया और 8 6 से कितना होता है 48. अब हम इसको कर लेंगे कन्वर्ट मिक्स फ्रैक्शन के अंदर. कैसे करेंगे स्टूडेंट 48 को आप 15 115 को 48 से आप करोगे. सो स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा 48 टू जा कितना होता है 2 2 8 जा 16 96. ओके स्टूडेंट सो ये 9 हो जाएगा रिमाइंडर. सो स्टूडेंट और ये यहाँ से 1 तो इसका जो इम्प्रॉपर वो मिक्स फ्रैक्शन निकल के आएगा 2 complete 19/48. सो स्टूडेंट ये आएगा इसका आंसर. लेट वी सी अवर नेक्स्ट पार्ट. 5/8 बताना है किसका स्टूडेंट 5/8 ऑफ इसका सेकंड पार्ट. 9 3 27 2 29/3. आपको याद रखना है जो नीचे है डिनोमिनेटर में वो एज इट इज यहाँ पे आएगा. ओके स्टूडेंट अब कोई कट रहा है नहीं कट रहा स्टूडेंट तो मल्टीप्लाई करेंगे 29 की 5 से करो और इसकी इससे करो. सो 5 9 जा कितना होता है 45 4 कैरी आ जाएगा 5 2 जा 10 और 4 1 4 5. ओके स्टूडेंट और नीचे क्या आ जाएगा 8 3 जा 24. अब सिंपली इसको मिक्स फ्रैक्शन में बना लेंगे. सो स्टूडेंट यदि हम इसको ऐसे करते हैं 145 इज डिवाइडेड बाय 24. सो 24 6 5 6 जा पे जाएगा ये स्टूडेंट 6 4 जा 24 2 कैरी 6 2 जा 12 और 4 1 4 4 1 इसका रिमाइंडर आ जाएगा. सो स्टूडेंट ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन क्या निकल गया 6 complete 1/24. स्टूडेंट यहाँ पे हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा. ये था हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 था वो. अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8.
सो स्टूडेंट इसके अंदर हमें जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसके अंदर थोड़ा फ्रैक्शन ही है सेम, बट इसमें वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है. सो लेट मी सी अवर क्वेश्चन नंबर 8. विद्या एंड प्रताप, विद्या और प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक, एक पिकनिक में जाते हैं. देयर मदर गेव देम ए वाटर बोटल, वो पिकनिक में जाते हैं और जो उनकी मदर होती है वो सब क्या करती है, मम्मा तो सबका काम है कि बच्चों के लिए स्नैक्स देना, वाटर बोटल देना, तो उसकी मम्मा क्या करती है उन दोनों को एक वाटर बोटल दे देती है. दैट कंटेन 5 लीटर, उस बोटल के अंदर कितना जो पानी था 5 लीटर था, मीन्स वो बोटल 5 लीटर की थी ऑफ वाटर, वाटर की उसको उसकी मम्मा ने उन दोनों को 5 लीटर का वाटर बोटल दिया. ओके, विद्या कंज्यूम 2/5, जो 5 लीटर टोटल वाटर कितना था 5 लीटर, उसका कितना कंज्यूम किया विद्या ने 2/5 ऑफ द वाटर. ऑफ द वाटर का मीन्स मतलब जो टोटल वाटर था. ओके स्टूडेंट, प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, और उसका जो भाई था प्रताप उसने रिमेनिंग वाटर को कंज्यूम किया. सो इसके बेस पे हमें जो फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट है वो करना है. सो हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, जो विद्या थी उसने कितना पानी पिया. सो जो इसका फर्स्ट पार्टिसिपेंट वो हम यहाँ पे करते हैं. सो विद्या ड्रिंक वाटर. सो स्टूडेंट जो हमारा टोटल कितना था, जो कैपेसिटी था बोतल का वो कितना था स्टूडेंट, हमारा था यहाँ पे आप ऊपर लिख भी सकते हो यहाँ पे टोटल कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना था, या टोटल जो टोटल वाटर था वो कितना था स्टूडेंट हमारा 5 लीटर. ओके स्टूडेंट, सो उसने कितना पानी पिया, जो 5 लीटर था इसमें बोला हुआ है 2/5 ऑफ, सो 2/5 ऑफ किसका, ऑफ मींस जितना टोटल था. ओके स्टूडेंट, सो इसको मैं यहाँ पे फिर से करके दिखा देती हूँ. 2/5 यहाँ पे देखो बोला गया 2/5 उसने पिया है, सो 2/5 ऑफ 5, अब कैंसिल करो स्टूडेंट इसको. सो 5 × 5 = 5. सो उसने विद्या ने कितना पानी पिया भाई, 2 लीटर पानी उसने पी लिया. फिर देखो स्टूडेंट जो सेकंड पार्ट है उसमें देखो, ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने करवाया. सेकंड पार्ट में देखो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक. सो इसके अंदर हमें दो क्वेश्चन मिल रहे हैं यहाँ पे कि उसने जो टोटल क्वांटिटी थी उसका कितना पानी पिया और उसका उसने फ्रैक्शन में कितना पिया. ओके स्टूडेंट, सो जो सेकंड पार्ट है उसमें देखो, व्हाट फ्रैक्शन भी बताना है हमें. अब देखो स्टूडेंट, जब हमारे पास टोटल वो जो वाटर था, जो टोटल कैपेसिटी थी, जो क्वांटिटी थी, वी कैन से हेयर कैपेसिटी और क्वांटिटी बोथ. ओके, सो क्वांटिटी कितनी थी टोटल 5 थी, और विद्या ने कितना पिया था, विद्या ने पिया था 2. सो जो इसका भाई है प्रताप, प्रताप ने कितना कंज्यूम किया, कंज्यूम्ड टोटल कितना था 5, और विद्या पी चुकी 2 लीटर. सो उसमें से विद्या का हम घटा देंगे, सो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 3 लीटर. ये किसने पिया है, उसके भाई ने, प्रताप ने पिया है. अब हमें पूछा हुआ है कि फ्रैक्शन बताओ, और फ्रैक्शन हमें कैसे बताना है. मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो टोटल होता है इन फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर कैसे करेंगे स्टूडेंट हम. देखो मैंने बताया था उसमें जो टोटल होता है, टोटल कितना है इसमें 5. ओके स्टूडेंट, अब उसमें पूछा कि प्रताप का कितना है, तो प्रताप का कितना है स्टूडेंट 3. सो स्टूडेंट 3/5, इसका आप आई होप समझ गए होंगे कि जो इसमें प्रताप का कंजप्शन है वो ऊपर आएगा, और जो टोटल क्वांटिटी है वो, तो ये इसका आ जाएगा फ्रैक्शन. तो मैं आपको यहाँ पे इसका आ जाएगा आंसर. ये मैंने दोनों पार्ट करवा दिए आपको, मैं थोड़ा ऐसे एग्जांपल अच्छे से क्लियर कर देती हूँ. सपोज करो स्टूडेंट ये बोतल है और इसकी कैपेसिटी है 5 लीटर. ओके स्टूडेंट, ये उनकी मम्मा उनको देती है. सो स्टूडेंट उसमें से ये देखो यहाँ पे 1 लीटर 2 लीटर 3 और 4 और ये 5. ओके स्टूडेंट, सो जो इसने 2/5 पी लिया है, सो मतलब हमने यहाँ पे 5 × 2/5 कितना हो जाएगा 2 लीटर. सो स्टूडेंट ये तो पी लिया विद्या ने, जो ये रिमेनिंग 3 है ये किसने पिया, 3 लीटर जो है ये इसके भाई प्रताप ने पिया सिंपली. ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. टुडे आवर एक्सरसाइज इज कम्प्लीटेड. सो यदि आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना. आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट.